नमस्ते मैं हूँ यमी और मेरे चैनल टोक्योवारी में आपका बहुत स्वागत है. आज मैं आई हूँ अपनी दोस्त शिवांगी के घर और ये आज मुझे सिखाएगी चपाती कैसे बनाते हैं. ठीक है, yes. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम आटा डालेंगे इसमें. okay. कितना डालेंगे? अपने आइडिया से. अपने आइडिया से. okay. इतना सा? थोड़ा सा और. ज़्यादा है? नहीं नहीं कम है, थोड़ा सा और. और बहुत डाल सकती हो, तुम्हें जितनी रोटी बनानी है उसके हिसाब से. मुझे तो आइडिया है कि कितना आटा कितनी रोटी के लिए okay. लगेगा, तो मैं इसको रख देती हूँ. अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे. ओके, पहले चाहे थोड़ा सा पानी डालो और नमक. नमक थोड़ा सा, थोड़ा सा हाथ पे लो क्योंकि बहुत सारा गिरे. इस हाथ पे लो, इस हाथ पे. ओ या, इट्स ओके, इट्स ओके. अभी इसको मिक्स करना शुरू करो थोड़ा थोड़ा करके. पानी डाल दो. हाँ, थोड़ा सा पानी और डाल सकती हूँ. ये ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं? नहीं नहीं, ये सही है अभी के लिए. तो अब रहने देते हैं. हाँ, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं 5 मिनट के लिए. ठीक है. ओके, तो इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए. ठीक है, तो ये गंदा हुआ आता है, हम अब इसकी चपाती बना देते हैं. चपाती बनाते हैं. थोड़ा सा लो, तोड़ो. मैं लेती हूँ अब इसको. ठीक है. हाँ, और लो. नहीं बहुत है. इसको घुमाओ ऐसे, थोड़ा मेरा छोटा है तो. सूखा आटा लगाएंगे ऐसे. ठीक है, फिर इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे. इससे पहले हम गैस लगाते हैं ताकि तवा गर्म हो जाए. तवा गर्म होने तक का वेट करते हैं. ये तवा इंडिया से लाया है, फूलना चाहिए ऐसे. तो इस अच्छा बनता है रोटी जब फूलता है. अगर नहीं फूलेगा तो मतलब रोटी अच्छा नहीं. तो वैसे अच्छा है बट ऐसा नहीं अच्छा बुरा. खाने में भी देखने में भी फूला हुआ रोटी अच्छा लगता है. अभी रोटी बन गया, अब हम इस पर घी लगा देंगे. ये घी देसी घी इंडिया से ही लेके आए अपने घर से. हाँ, रोटी बन के तैयार है. अब तुम्हारी बन गए. तब मैं ट्राई करती हूँ. गुड लक. या दिख गया है. अभी देखो ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है. हाँ, ये नॉर्मल और ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो मैं इसको
interview that time. क्योंकि दूसरी तरफ से तो रोटी बना है तो जल जाएगा देखो आगे अभी रोटी बन गई है तवा पे ओके रोटी बन गई है अब तो मैं और बनाऊंगी क्योंकि ये तो मैंने बनाई ओके मैं बनाऊंगी फिर से ऐसे करेंगे लगाना है थोड़ा सा घी डाल तुम चिमटे से ही बनाना चिमटे से हाँ तो मैं डर नहीं लगेगा वो गर्म भी नहीं लगेगा तो अब लास्ट वाली रोटी है चपाती है चपाती चपाती इसको पहले ये लगा इसको बेलते हैं गुड लक गुड लक गुड गुड ये बहुत अच्छी आ रही है बहुत अच्छी लगी अच्छी है सच में बहुत अच्छी है पहली बार बना रही हूँ देखो गुड 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 एक बार और ट्राई करते हैं ओके थोड़ा गैस तेज कर देते हैं अभी चिमटे से नहीं करना है ओके मुझे डर लगता है कोई नहीं करो हाँ तावे को नहीं छूना है देखा हाँ ऐसे हाँ ऐसे भी चेक कर सकती हूँ हम लोग ऐसे भी कर ओह ऐसे पड़ा है अभी एक तरह से डर हाँ कैसा लग रहा है भूख लगी है मुझे तो आज इस चपाती के साथ क्या खाना है दाल मखनी अभी हम चेक करेंगे रोटी उधर से बन गई है अभी कपड़े की ज़रूरत नहीं okay. है तुम उठा के चेक करो उसे चिमटे से उठा लो हाँ उठाओ देखो ये इधर से बन गया है हाँ अब उठाओ तब साइड में रखो और उधर रोटी से इस तरह से तो बना है इस तरह से हाँ इस तरह से ओके अच्छे से उभरी नहीं है हाँ फूली नहीं है हाँ, बट इट्स ओके ये तो मैं पहली बात था अब हाँ, लगा दो तो थोड़ा सा घी इतना सा थोड़ा ज़्यादा ऐसे करके हाँ इसका ऐसे करोगी तो थोड़ी ज़्यादा ही लगेगा हाँ मुझे इतना घी पसंद नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ले और फाइनली हमारी चपाती बन गई है ये थैंक यू शिवांगी आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद शुक्रिया अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते सयोनारा बाय बाय